जयश्री जी वेलकम। हाय रोहित जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। विल वेट फॉर अनदर मिनट एंड देन विल स्टार्ट। सरिता मेहता जी, पुलक जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवंजा इंदौर से हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं सूप, अ टाइप ऑफ सूप जो बहुत पॉपुलरली रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर होता है और हम सबको पसंद है। सो टुडे वी आर मेकिंग क्रीम ऑफ स्वीट कॉर्न सूप। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी यू नो रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप जो आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी अवेलेबल इंग्रीडियंट्स के साथ आप इसको कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है और जब ये बनेगा तो ऐसे लगेगा आपने किसी रेस्टोरेंट में इसको ऑर्डर किया है। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक। और कॉर्न इज़ इन द सीज़न, पीज आर इन द सीज़न, बीन्स आ रहे हैं, कैरेट्स आ रहे हैं, तो ये सभी इंग्रीडियंट्स होते हैं ज़रूरी फॉर मेकिंग दिस स्वीट कॉर्न सूप। तो कॉर्न ऑल्दो इज़ नॉट सो मच इन द सीज़न, बट आजकल अमेरिकन कॉर्न ऑल द ईयर राउंड अवेलेबल रहता है और हमारे पास फ्रोजन कॉर्न बहुत ईजी एक्सेस में रहता है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। ठीक है, अमूल के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज रेसिपी विच इज रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। ओके, आई लेट जस्ट माई कैमरा एंड वी कैन बिगिन। ओके, तो एक मैंने पैन ले लिया है और इसमें हम शुरू करेंगे हमारी रेसिपी बनाना। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, बेटर नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। पैन में हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ। आप जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो अपने घर में, अबाउट 1 टेबल स्पून ऑयल मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एंड 1 टेबल स्पून ऑफ अमूल बटर हम डालेंगे इसमें। अमूल बटर डालने से टेस्ट बहुत ही खास हो जाएगा, सो डोंट स्किप इट। नहीं है तो आप अमूल घी भी डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 1/2 टेबल स्पून एंड मे बी 3-4 टेबल स्पून तक आप डाल दीजिए, विच शुड बी आई थिंक इनफ। ओके, सो इसे मेल्ट हो जाने देते हैं, गरम हो जाने देते हैं। हम बना रहे हैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। बहुत ही डिलिशियस ये लगेगा, जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। चीज़ें हमें इसमें सौते करनी है। जब तक ये गर्म हो रहा है, एक मेन इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बता देती हूँ। मैंने स्वीट कॉर्न लेके उसको, मतलब अबाउट 1/2 कप ऑफ स्वीट कॉर्न लिया और उसको पानी के साथ एक ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था इस तरह से। ओके, रेगुलर स्वीट कॉर्न जो आता है उसको पानी के साथ ब्लेंडर में इस तरह से मैंने पीस लिया था। दरदरा पीसा है। ओके, दरदरा पीसा है इसको, मतलब अबाउट 30 सेकेंड्स में आपका ये हो जाना चाहिए ब्लेंडिंग प्रोसेस। तो हमारा ऑयल और जो ये मिक्सचर है बटर का, अमूल बटर का, ये मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। डालते हैं थोड़े से अनियंस, 1 स्मॉल अनियन आप डाल सकते हैं इसमें। इसको हल्का सा सौते करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है, यू नो व्हेन यू ऐड
अनियन टू घी और बटर। सो मैंने ऑयल और अमूल बटर का कॉम्बिनेशन डाला है और उसमें मैंने सिंपली डायरेक्टली कुछ अनियंस डाल दिए हैं। ओके, फाइनली आप इसको चॉप कर लीजिए और डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी चॉप किए हुए कैरेट। ओके, सो मैंने 1/4 या एक छोटा सा आप कैरेट ले सकते हैं, उसको आप कट कर लीजिए इस तरह से। इसको भी हम साथ में सौते कर लेंगे। साथ ही मैं डालूंगी ग्रीन बीन्स। बीन्स अभी काफ़ी सीजन में है तो आप ग्रीन बीन्स डाल दीजिए। सब कुछ वॉश करके प्रॉपरली आप डालें। एंड इसमें मैं डालूंगी थोड़े से पीस। ग्रीन पीस भी अभी सीजन में है तो थोड़े से ग्रीन पीस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। प्रपोर्शन कुछ नहीं है ऐसा, जिसका आप जैसा और जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ओके, मेन स्वीट कॉर्न है तो कॉर्न सबसे ज़्यादा होगा इसमें। ये डाल दिया। थोड़े से वॉश्ड ग्रीन अनियंस की जो पत्तियाँ होती है वो है, वो मैं डालूंगी। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगी। और कॉर्न, स्वीट कॉर्न ये डाल दिया मैंने। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम एज इट इज सूप को बॉईल करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली पक जाएंगे। पैकेट वाले कॉर्न है या फ्रेश यूज़ करना है? सो पूनम जी, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न लिया है, पैकेट वाला यूज़ किया है। आप अमेरिकन कॉर्न ही लीजिए, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जिसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट रहता है। देसी कॉर्न सूप में नहीं चलेगा। ओके, सो आप चाहे पैकेट वाला लें या रेडीमेड जो दाने निकले हुए आते हैं, या स्वीट कॉर्न ले आइए उसमें से निकाल लीजिए, बट आप अमेरिकन स्वीट कॉर्न ही यूज़ करिए, चाहे फ्रोज़न चाहे पैकेट वाला। मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है। ओके, तो इसे हल्का सा हम सौते होने देंगे। हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप टुडे, वेरी इजी टू मेक। मैंने ऑयल और बटर का कॉम्बिनेशन लिया और उसमें कुछ वेजिटेबल्स मैंने डाल दिए, जैसे कि अनियन। उसके बाद मैंने चॉप्ड ग्रीन अनियंस का जो लीफ पार्ट रहता है वो भी डाला, कैरेट डाला, बीन्स डाले छोटे चॉप करके, और मैंने पीस भी डाले हैं, और अमेरिकन कॉर्न डाला है। देखिए क्या खूबसूरत कलर्स दिख रहे हैं। और मैं क्लोजर व्यू देती हूँ आपको इसका। और अमूल बटर और वेजिटेबल ऑयल मिक्स होने से बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी हो गई है। जिसे स्वीट कॉर्न सूप पसंद ना भी हो ना, इसकी खुशबू से वो ज़रूर ये पीना चाहेगा, इतना डिलीशियस है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी कुछ चॉप ग्रीन चिलीज। ये डिपेंड करता है आपको कितनी पसंद है ग्रीन चिली का टेस्ट। मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज इसमें डालूंगी। मैंने 1 ग्रीन चिली लिया है और वो डाल दूंगी मैं। आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है तो ग्रीन चिलीज। इसको सौते करें। एक बार और मैं इसे ढक दूंगी सो दैट हमारे वेजिटेबल्स थोड़े से और कुक हो जाए। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। नो प्रेशर कुकिंग। सूप प्रेशर कुक तभी करना चाहिए जब आप उसको बाद में ब्लेंड करने वाले हो पूनम जी। सो यू शुड नॉट आइडियली बी प्रेशर कुकिंग, वरना उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो सूप की तरह नहीं लगेगा। जैसे टोमेटो सूप जब हम बनाते हैं तो पहले हम प्रेशर कुक करते हैं, फिर ब्लेंड करते हैं और बॉइल करते हैं। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इन इंग्रेडिएंट्स की ब्लेंडिंग नहीं होने वाली है। सो यू शुड नॉट प्रेशर कुक इट बिकॉज टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा।
एक तरफ जैसे मैंने बताया मैंने 1/2 to 3/4 कप स्वीट कॉर्न लिया था और उसको पानी के साथ 1 cup of water के साथ इस तरह से मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है, दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। सो ये हमारे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट जितने हम ही कुक करने थे वो हो गए हैं। ओके, अब मैं इसमें ये जो हमने कॉर्न का मिक्सचर बना के रखा था ब्लेंड करके वो डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर देती हूँ और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी वाटर। वन ग्लास ऑफ वाटर डाला है, मे बी लिटिल मोर आई वॉन्ट टू पुट क्योंकि इसमें हम कॉर्नफ्लावर स्लरी भी डालेंगे अभी। सो मैं 1/2 cup और डाल देती हूँ। अब इसमें हम कुछ तेज कर लेते हैं गैस। इसे मिक्स कर लेंगे। यस पूनम जी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इट इज़ वेरी इजी टू मेक, बहुत इजी है और बहुत अच्छा बनेगा इस तरह से बनाएंगे तो। सिंपल है, आज ही ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कैसा बना। अब लेट्स जस्ट बॉइल दिस। इसके बॉईल होने का वेट करते हैं। कॉर्नफ्लोर के अलावा कैन वी ऐड मैदा? नो, मैदा इज़ नॉट एन इंग्रेडिएंट फॉर सूप। उससे थिकनेस नहीं आएगी प्रॉपरली जैसी सूप की होती है, फिर वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं लगेगा, सो डोंट डू दैट। कॉर्नफ्लावर ज़रूरी नहीं है, आप अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पानी थोड़ा सा कम डाल दीजिए सिंपली। ओके, लेकिन कॉर्नफ्लावर का एक अपना टेक्सचर होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है स्वीट कॉर्न सूप में या किसी भी सूप में, पर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपली आप पानी कम डालिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी शुगर, 1/2 teaspoon जितनी शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ बिकॉज दिस इज स्वीट कॉर्न सूप तो शुगर होना ज़रूरी है इसमें। और अब मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप नोटिस करिएगा सॉल्ट मैंने पहले नहीं डाला था जब हम सब्जियां इसकी सौते कर रहे थे, यू शुड नॉट ऐड इट दैट टाइम बिकॉज उसका क्रंच निकल जाएगा, तो आप इस टाइम पे सॉल्ट डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कम ज़्यादा होता है तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं उसको। देन हम इसमें पेपर डालेंगे, फ्रेशली ग्राउंड पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आपके पास पेपर पाउडर जो भी हो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर दीजिए। मक्की का आटा भी मत डालिए, आटा नहीं डलेगा इसमें, कॉर्नफ्लावर डलेगा। मक्की का आटा एंड कॉर्नफ्लावर आर डिफरेंट थिंग्स। कॉर्नफ्लावर में स्टार्च अलग होता है और मक्की का आटा का नेचुरल स्टार्च होता है जो हमें इसमें नहीं डालना है, आप स्किप कर दीजिए। एक मैं आपको टेक्निक बता सकती हूँ, मान लीजिए आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते हैं या नहीं है तो आप एक ब्रेड ले लीजिए, मे बी फॉर दिस क्वांटिटी 1/2 ब्रेड ले लीजिए और उसका बिल्कुल महीन चूरा बना लीजिए इन मिक्सर ग्राइंडर और वो डाल दीजिए, दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ यू नो थिकनिंग एजेंट। ये मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। इसे हम हिला लेंगे बीच बीच में और एक तरफ हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी, यानी कॉर्नफ्लावर को हम मिक्स कर लेंगे विथ वाटर। इन द मीनवाइल जब हमारा ये बॉईल हो रहा है साइड में हम ये रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर स्लरी। बहुत इजी और मिनटों में बन जाता है स्वीट कॉर्न सूप, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है
यस पूनम जी, मोस्ट वेलकम. इट इज़ आवर जॉब टू क्लैरिफाई डाउट्स. ओके, तो यहाँ कॉर्नफ्लावर स्लरी बना लेते हैं हम. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन, मान लीजिए आपको इसको थिकन करना ही है, तो आप डालिए इसके अंदर जो एक ब्रेड को आप बिल्कुल ब्लेंडर में मैश कर लीजिए, बिल्कुल ब्रेड को, नॉट मैदा. ओके, ब्रेड को मैश कर लीजिए. ऐसा नहीं कि हम ब्रेड डाल रहे हैं तो मैदा डाल सकते हैं या आटा डाल सकते हैं. नो, ब्रेड को बिल्कुल ग्राइंडर में पीस लीजिए एकदम महीन, और वो आप डाल सकते हो, तो आपका ही थिक हो जाएगा सूप. ओके, तो इसे हम बॉईल होने देंगे फॉर अ मिनट. और यहाँ कॉर्नफ्लावर मैं ले लेती हूँ. सो मैं अबाउट ये 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लावर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं. और ये स्लरी रेडी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे स्वीट कॉर्न सूप को बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा. सॉरी, देखिए सिंपल सी पूनम जी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मैं लेटर ऑन आंसर करूंगी इफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू द रेसिपी दैट वी आर मेकिंग राइट नाउ. सो सॉरी अबाउट दैट, हम उस पर फिर चलेंगे उस क्वेश्चन पे. ओके, तो ये हमारी कॉर्नफ्लावर स्लरी तैयार है, पर अभी हमें इसे ऐड नहीं करना है. अभी आप देखेंगे कि स्वीट कॉर्न सूप जो हमारा ये ऑलरेडी बॉईल हो रहा है बहुत अच्छे से, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. इसमें अभी ये साइड में स्टार्च आ गया है ना, क्योंकि जो हमने कॉर्न को ब्लेंड किया था तो उसका स्टार्च बाहर आ जाता है, और बॉईल करने पे स्टार्च साइड्स में आ जाता है, तो इसको हम हटा देंगे. ओके, तो कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिए और उसमें एक चम्मच से इस स्टार्च को आप हल्का सा हटा दीजिए. वेजीज आप वापस डाल सकते हैं, बट आप स्टार्च को थोड़ा थोड़ा करके हटा दीजिए. वेजीज आप फिर से निकाल के इसमें डाल सकते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट इट. और अब इस टाइम पे, इस मोमेंट पे आई मीन, हम डालेंगे जब हमारा ऑलमोस्ट स्टार्च खत्म हो गया है, हम यहाँ पे डालेंगे हमारी कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो हमने बनाई थी. पानी में ऐड करके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में ऐड करना है कॉर्नफ्लावर. अब इसे मिक्स करेंगे. सॉरी अबाउट दैट नॉइज. बस इसे और 2 to 3 minutes तक हमें पकाना है, एंड दिस विल बी डन. बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. अमूल बटर हमने जो इसमें डाला है उससे, आप अमूल घी भी यूज़ कर सकते हो. सॉल्ट, पेपर एट्सेट्रा You can add according to your taste. बहुत ही easy recipe है. मैंने लिया था अमूल बटर about 1 tablespoon. 1 tablespoon मैंने vegetable oil इसमें डाला है. उसमें सौते किए मैंने onions, carrots, green beans और यानी French beans और कुछ sweet corn के दाने और peas और जो हरा हमारा प्याज आता है उसके लीव्स मैंने थोड़े से काट के डाल दिए थे धोकर, वो मैंने डाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सौते करा मैंने विदाउट एडिंग एनी सॉल्ट और पेपर और एनीथिंग. वो करने के बाद अबाउट 3-4 minutes बाद मैंने उसमें जो 1/2 cup ऑफ कॉर्न और 1 cup ऑफ वाटर लेके उसे ब्लेंड कर लिया था दरदरा मिक्सी में, वो पेस्ट डाला और अबाउट 1.5 glass, दिस साइज ऑफ ग्लास,
अबाउट 200 ml, सो अबाउट 300 ml वाटर मैंने डाला और जब वो बॉयल होने लग गया साथ ही में मैंने सॉल्ट और पेपर और शुगर डाली, जो ऊपर स्टार्च आता है वो हटा दिया, और 1 teaspoon ऑफ कॉर्नफ्लावर मिक्सड इन अबाउट 2 to 3 teaspoons ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर वो डाल दिया है, और ये हमारा सूप रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही गजब बना है, खुशबू तो बहुत शानदार है ही, और आई एम श्योर अगर खुशबू अच्छी आती है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है डिश का, आई एम श्योर यू विल अग्री। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, आज हमने बनाया है स्वीट कॉर्न सूप रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मैं गैस ऑफ करती हूँ, हमारा सूप रेडी है, इसके फ्यूम्स निकल जाएं, फिर मैं इसे सर्व करती हूँ। एक सूप बोल ले लेते हैं इस तरह से, और इसमें मैं सर्व करूंगी हमारा सूप। इन दिस बहुत ही कलरफुल और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना है हमारा स्वीट कॉर्न सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, टेस्ट भी और लुक भी इसका। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाए, सो आई रियली लाइक टू ऐड अ लॉट ऑफ इट, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको गार्निश कर लेते हैं कुछ लीव्स के साथ। विच इज कंप्लीटली ऑप्शनल। कुछ लीव्स डाल देती हूँ और मैं कुछ ये जो हमारा हरा प्याज था ये ऊपर से और गार्निश कर लेते हैं। तो ये हमारा तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, एंड मैं इसे फाइनल प्लेस पे रखती हूँ, एंड देन आई विल टॉक टू यू अगेन। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, हमने बनाया था स्वीट कॉर्न सूप, एंड बहुत इजी रेसिपी है, 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। यू कैन गो बैक टू द वीडियो ऑन अमूल पेज एंड हैव अ लुक एट इट। सो ये रहा हमारा आज का रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप। आप देखिए क्या हॉट और यू नो फ्यूमिंग, बिल्कुल यू नो इट्स लुकिंग एंड सो डिलिशियस एंड एपेटाइजिंग। आई एम श्योर ये अच्छा लग रहा है आपको देखने में भी, एंड जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी अच्छी लगेगी। सो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, ओवन्स अप बाय मधु इज़ माई हैंडल। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, and thanks Amul for this platform. Thank you.